Hi students, welcome at KitKat Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 1 and topic is the Earth's atmosphere. From your book, we learn social studies class 7. Before start our today's topic, I would like advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKat Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video before start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. Number 4, may watch multiple time video till find out the answer. Let's start our topic, the Earth's atmosphere. Just as the different layers inside the Earth, there are layers above the Earth's surface. टू द लेयर्स टुगेदर फॉर्म द अर्थ एटमोसफियर. जैसे अर्थ के अंदर लेयर्स होती हैं, वैसे ही अर्थ के बाहर भी लेयर्स होती हैं, जिसको हम अर्थ का एटमोसफियर कहते हैं, यानी माहौल, फिज़ा. ऐसी 5 लेयर्स हैं अर्थ की. जो सबसे करीब लेयर है अर्थ के, उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, और जो सबसे 5वीं, जो सबसे दूर लेयर है, उसको एक्सोस्फेयर कहते हैं. वो स्पेस के ज़्यादा करीब होती है. एटमोसफियर जो है वो एक थिन ब्लैंकेट की तरह होता है, जो पतले कंबल की तरह होता है, जो गैसेस की लेयर्स से बना होता है. इसमें डिफरेंट किस्म की गैसेस होती हैं. हमारे माहौल में 78% जो गैस है वो है नाइट्रोजन, और 21% है ऑक्सीजन, 1% अदर गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी और गैसेस भी आती हैं. वाटर वेपर्स भी हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारे माहौल में पाए जाते हैं. पानी के बुखारात हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनसे बादल बनते हैं और बादल से बारिश होती है. इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ. अर्थ की एटमॉस्फेयर की हमारी अर्थ में क्या इंपॉर्टेंस है. एटमॉस्फेयर जो है वो डेंजरस रेज जो सन से आती हैं, उसको अर्थ पे पहुंचने से बचाता है, क्योंकि हम लोगों को एक लिमिट तक हीट चाहिए होती है, और अर्थ सन की बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा हीट होती है. तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो है वो हमें उससे बचाती हैं. ओजोन लेयर भी जो है वो अर्थ के ऊपर पाई जाती है, जिससे हमारे अर्थ पर सन की वायलेंट रेसिस नहीं पड़ती. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज़रूरी होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ ईच लेयर. पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जो अर्थ के ज़्यादा करीब है, जो 12 किलोमीटर थिक है, और इसकी जो थिकनेस है वो सीज़न के हिसाब से चेंज होती रहती है. इस लेयर पर क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, और यहीं पर हवा होती है. इसमें पानी के बुखारात होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. ट्रेस्टोस्फीयर जो है वो इसके ऊपर वाली दूसरी लेयर होती है, जो 50 किलोमीटर दूर होती है अर्थ की. इसमें जो है वो तूफ़ान और मिक्स किस्म की गैसेस होती हैं. यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी हवा होती है, और यहाँ पर और यहीं पर जो है ये ओजोन लेयर भी पाई जाती है. ये ट्रोपोस्फेयर लेयर के ऊपर लेयर पाई जाती है. यहाँ पर जेट और प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं. मेसोस्फेयर, ये लेयर जो है वो 50 किलोमीटर से ऊपर 80 किलोमीटर तक जाती है अर्थ की. इसमें भी बहुत सारी गैसेस होती हैं. यहाँ पर हवा बहुत ही थिन हो जाती है, यहाँ पर सांस लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. यहाँ पर शूटिंग स्टार होते हैं, जो आपको टूटते हुए सितारे नजर आते हैं, वो यहीं पर आकर बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं. फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर जो है वो 80 किलोमीटर दूर से लेकर 500 किलोमीटर इतनी थिक है अर्थ से. द सन इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर, सो इट इज़ 200 सेंटीग्रेड हॉटर इन द डे टाइम देन एट नाइट. ये सन के थोड़े सेकंड नंबर पर करीब है, इसलिए इसका 200 सेंटीग्रेड गर्म टेम्परेचर होता है दिन के वक्त. लास्ट लेयर जो है वो है एक्सोस्फेयर. ये स्पेस के सबसे ज़्यादा करीब है. ये 700 से 1000 किलोमीटर थिक है, और ये अर्थ से 10,000 किलोमीटर दूर है. ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनी है, और ये बहुत ही ज़्यादा दूर है. द ओजोन लेयर एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. ओजोन लेयर जो है वो दूसरी एटमॉस्फेयर की लेयर पे होती है, ट्रेटोस्फेयर पर होती है. ये एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अनवांटेड रेडिएशन जो अर्थ से सन से आती हैं, उनको कंट्रोल करता है. ओजोन लेयर जो है वो हर तरफ इक्वली डिवाइड नहीं हुई होती. ये जो है कहीं पर पतली लेयर होती है, और कहीं पर ज़्यादा मोटी लेयर होती है. ये नॉर्थ पोल की साइड और साउथ पोल की साइड इसकी लेयर बहुत ही ज़्यादा थिक होती है. ओजोन लेयर जो है वो ज़्यादातर केमिकल और पोल्यूशन की वजह से डैमेज हो जाती है.
हर साल जो है 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओज़ोन डे, हर साल जो है वो 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओज़ोन डे मनाया जाता है। ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमें पॉल्यूशन और केमिकल्स कंट्रोल करने चाहिए ताकि हमारी ओज़ोन लेयर डैमेज ना हो, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब ना हो। CFCs, मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट यूज़ CFCs। CFCs जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इसमें क्लोरीन होता है, कार्बन होता है, फ्लोरीन होता है, ये सारी जो है गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, इसी वजह से ओज़ोन लेयर जो है वो ब्रेक भी हो सकती है। मेजर्स टू सेव द ओज़ोन लेयर, ओज़ोन लेयर को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। 1995 में जो रेफ्रिजरेटर्स होते थे, फ्रिज होते थे, उसमें CFCs होता था, लेकिन मॉडर्न रेफ्रिजरेटर जो है उसमें उस जो है इस गैसेस की मकदार थोड़ी कम है, इसलिए जो पुराने रेफ्रिजरेटर हैं उनको डिस्पोज करना चाहिए कम्प्लीटली। इलेक्ट्रिक अप्लाइंस जो है वो हमने जब यूज़ ना करें हो तो उनको हम लोग अनप्लग कर दें, बंद कर दें। मॉडर्न एयर कंडीशनर जो है उसमें भी HFC होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। ये CFCs जितना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें एयर कंडीशनर थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए। हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें कम केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें अवॉइड करना चाहिए, ट्रैफिक अवॉइड करना चाहिए रोड पर, इससे जो है कार्बन गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है, जो ओज़ोन लेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। हमें छोटे से रास्ते के लिए, कम रास्ते के लिए वॉक करना ज़रूरी है, या बाईसाइकिल ले लें, बाईसाइकिल पे आप लोग ट्रैवल करें, लेकिन गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। नाइट्रोस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस भी उसे कहा जाता है, वो ज़्यादातर जो है कार रेसिंग और मेडिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ की जाती है, फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इसकी अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए ताकि हम लोगों का एटमॉस्फेयर ज़्यादा बेहतर हो जाए। इसके बाद वेदर एंड क्लाइमेट, डेली चेंजेस में जो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेदर, जैसे स्नोई हो गया, विंडी हो गया, सनी हो गया, इन सब को हम लोग कहते हैं वेदर। इसके अलावा क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ही टाइम के बाद चेंज होता है, जैसे हो सकता है कि हैदराबाद में बारिश हो जाए कुछ दिन, और कुछ ज़्यादा दिन जो होता है वो वहाँ पर गर्मी ही होती है। ये हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, जिससे रात भर हीट की वजह से प्लांट्स और जो है वेजिटेबल्स वगैरह पकती रहती है। अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ड्यूरिंग द डे जो है सन शाइन करता है, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस बहुत ही ज़्यादा वार्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है तो अर्थ अपना सरफेस सारी हीट जो है वो वापस दे देती है और कूल हो जाती है, लेकिन कुछ गैसेस जो होती है, कुछ हीट जो होती है वो वहीं एटमोसफेयर की लेयर में ट्रैप हो जाती है, उसे ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। इससे अर्थ जो है वो गर्म रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर वेपर्स जैसी गैसेस पैदा होती हैं। इन गैसेस को द ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। फाइटिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। हम लोगों को गैस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोयले ज़्यादा जलाने नहीं चाहिए, ज़्यादा आग नहीं जलानी चाहिए, इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें पैदल चलना चाहिए या बाइसाइकिल इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करें, जिससे धुआं निकलता है और हमारी एटमॉस्फेयर पे फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। Hope you enjoy and learn basic concept of today's topic we have presented on the platform of KidCan Digital Learning. Don't forget to find out answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning projects as total 10 marks in your final term exam based on reply all question. Hope to see you in next topic and learn more new concept. Thank you and bye bye.